हेलो गाइज, वेलकम टू सॉरी अवे। तो भाई आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिग्मा फ्रॉन्स और डेल्टा फ्रॉन्स। दोनों गाड़ियों में 86,000 का डिफरेंस मिलता है। उनके बारे में बात करेंगे, क्या फीचर में डिफरेंस मिलता है और क्या नहीं। बाकी फ्रंट से अपनी गाड़ी की बात करें, फ्रंट में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा देखने के लिए। यही बड़ा सा आपको सुजुकी का लोगो डेल्टा वेरियंट में मिलता है और यही सुजुकी का लोगो आपको सिग्मा वेरियंट में मिलता है। हेडलाइट मिलती है, वो भी आपको सेम ही मिलती है। प्रोजेक्टर हेलोजन के साथ में मिलते हैं और यहाँ पे जो ग्रिल मिलती है ब्लैक कलर की, वो भी आपको सेम ही मिलती है। दोनों की दोनों आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता देखने के लिए। बाकी यहाँ पे भी आपको सुजुकी का लोगो, यहाँ पे भी क्रोम के एलिमेंट मिलते हैं। स्किड प्लेट मिलती है, वो भी आपको सिल्वर कलर की ही मिलती है। फ्रंट से देखोगे अपनी गाड़ी, ओवरऑल दोनों की दोनों सेम ही दिखाई देंगी। बाकी चलते हुए इसकी साइड प्रोफाइल पर, साइड से देखेंगे गाड़ी में क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है और क्या चेंज मिलता है दोनों गाड़ियों के अंदर। बाकी पहले तो बात कर लेता गाड़ी के फेंडर की। फेंडर पर मिलता है सिग्मा वेरियंट में इंडिकेटर, और डेल्टा में कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलता है फेंडर पे। और डेल्टा वेरिएंट में आपको मिलता है ओआरवी में मिलता है बॉडी कलर का, इसी पे मिलता है साइड इंडिकेटर। और सिग्मा वेरिएंट में मिलता है ब्लैक कलर का। बाकी डोर हैंडल की बात करें तो डोर हैंडल भी आपको सेम ही मिलता है आपको ब्लैक कलर का डेल्टा में, सिग्मा में, और डेल्टा में मिलता है बॉडी कलर का। बाकी टायर सेक्शन की बात करें तो टायर सेक्शन मिलते हैं इसके 195/60 R15 के टायर मिलते हैं। दोनों सेम ही मिलते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने के लिए। बाकी दोनों के एक्सोरूम प्राइस की बात करें, एक्सोरूम सिग्मा का मिलता है, वो मिलता है 7,46,000 रुपये का, और डेल्टा का मिलता है 8,32,000 रुपये का। दोनों में प्राइस में भाई ये डिफरेंस मिलता है देखने के लिए। बाकी चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पर। तो फाइनली भाई अब आ गए हम इसकी गाड़ी फ्रॉन्स की रियर प्रोफाइल पर, उसमें डिफरेंस देखेंगे दोनों गाड़ियों में क्या मिलता है क्या नहीं। बाकी यहाँ पे मिलता है आपको सैमसंग एंटीना सिग्मा वेरिएंट में और डेल्टा वेरिएंट में, दोनों भी आपको सैमसंग एंटीना मिलते हैं। रूफ लाइट मिलती है, वो भी आपको ब्लैक कलर की ही मिलती है दोनों वेरिएंट में। बाकी सुजुकी का लोगो मिल जाता है दोनों वेरिएंट में। डिफॉगर की प्लेसमेंट मिल जाती है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, और जो टेल लाइट मिलती है वो आपको कुछ ऐसी मिलती है। ये ओनली यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना, ये ओनली टॉप वेरिएंट में ही चलती है, जिसमें एज ए शो के लिए रख रखा है। बाकी तीन मिलते हैं LED लाइट, ये मिलता है आपको साइड इंडिकेटर, और यहाँ पे मिलते हैं फ्रंट की बैचिंग। आपने देखा होगा नेक्सा की गाड़ी में या फिर आजकल ना वेरिएंट की बैचिंग तो करनी बंद ही कर दी है। बाकी वो भी अलग ही है यार, मॉडिफिकेशन करा लेते हैं बहुत से भाई की गाड़ी को चेंज ही कर देते हैं पूरा का पूरा, तो वो भी हो गया। बाकी अपना सिग्मा वेरिएंट में ये सब मिलता है। स्किड प्लेट मिलती है जो रियर की, वो भी आपको सिल्वर कलर की ही मिलती है। चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और दो मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर। बाकी चलते हैं डेल्टा वेरिएंट में। डेल्टा में अपना मिलता है डिफॉगर की प्लेसमेंट, यहाँ पे मिलता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प, सार्फिन एंटीना जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मिलता है सुजुकी का लोगो। यहाँ पे नेक्सा की बैचिंग, टेल लाइट आपको सेम ही मिलती है दोनों वेरिएंट में, और ये मिलता है फ्रंट की बैचिंग। यहाँ पे नंबर प्लेट का स्पेस मिलता है और चार पार्किंग सेंसर और दो रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे ब्लैक कलर की प्लेट, और यहाँ पे नीचे की साइड में स्किड प्लेट मिलती है, वो भी आपको सिल्वर कलर की ही मिलती है। बाकी दोनों की दोनों गाड़ियों में आपको सेम ही मिलता है। बाकी दोनों गाड़ियों में भाई बात करी जाए कि एक्सटीरियर में क्या चेंज मिलता है, वो मिलता है ओनली एक तो फेंडर पे ORVM मिलता है, डोर हैंडल मिलता है वो बॉडी कलर के मिलते हैं, और जो ORVM मिलते हैं डेल्टा वेरिएंट में मिलता है वो बॉडी कलर का मिलता है, और उसी पे मिलता है आपको साइड इंडिकेटर। बाकी सिग्मा वेरिएंट में मिलता है आपको ब्लैक कलर का डोर हैंडल मिलता है, और ब्लैक कलर के ही मिलते हैं ORVM। फेंडर पे मिलते हैं साइड इंडिकेटर। बाकी यही चेंज मिलता है भाई डेल्टा और सिग्मा में एक्सटीरियर में। बाकी चलते हैं इंटीरियर में भाई सिग्मा वेरिएंट की। सिग्मा में आपको इंटीरियर में क्या चेंज मिलता है, पहले सबसे पहले देखेंगे रियर की सीट। रियर की सीट डोर की बात करें तो रियर का डोर भाई कुछ ऐसा मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे मिलता है सॉफ्ट टच, और यहाँ पे भी आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे भी ग्रैब के लिए स्पेस। डोर हैंडल मिलता है वो आपको ब्लैक कलर का ही मिलता है। बाकी सीटिंग की बात की जाए तो सीट मिलती है आपको कुछ ऐसी फैब्रिक की मिलती है, सेम ही मिलती है, तीन हेडरेस्ट के साथ में मिलती है अपनी ये सीटें, और डोर हैंडल मिलता है आपको, हैंडल बार मिलता है वो एडजस्टेबल मिलता है, और लैंप मिलती है कैबिन में वो आपको सिग्मा वेरिएंट में मिलती है हेलोजन के साथ में, और एक ही मिलती है सेंटर में। बाकी पाँच हेडरेस्ट के साथ में अपनी ये गाड़ी आती है, और रियर में अपना ये सब मिलता है। यहाँ पर मिलता है स्पीकर की प्लेसमेंट,
अगर जो एज ए एसेसरी आप स्पीकर लगवा सकते हो, यहाँ पे स्पेस मिलता है, यहाँ बोतल होल्डर, यहाँ पे भी थोड़ा वो स्पेस, ये सब मिलता है। बाकी चलते हैं अब इसके डेल्टा वेरिएंट पर। डेल्टा में आपको डोर हैंडल मिलता है बॉडी कलर का। तो भाई अब बात करेंगे डेल्टा के रियर सीट की। बाकी डेल्टा में भी आपको भाई जो सेम मिलता है ना दोनों गाड़ियों में, सिग्मा में भी सेम ही मिलता है ये सब स्ट्रक्चर। और ये आपको डोर हैंडल मिलता है वो भी ब्लैक कलर का मिलता है। पावर विंडो का कंट्रोल वो भी सेम ही मिलता है। यहाँ पे आपको स्पीकर के लिए स्पेस मिल जाता है, एज ए एसेसरी आप स्पीकर लगवा सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिलता है। बाकी सीटिंग की बात करी जाए तो सीटिंग की भाई सीट में आपको लेग रूम और थाई रूम में बहुत अच्छा मिलता है और बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलता है। दोनों में कोई भी चेंज नहीं मिलता है इसमें। और यहाँ पे मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट, आपको ये सिग्मा वेरिएंट में भी मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्ट्रक्चर मिलता है। और यहाँ पे मिलता है हैंडल बार, यहाँ पे भी आप कोट टांगने के लिए स्पेस। और ये हेलोजन के साथ में लैंप मिलते हैं कैबिन। डेल्टा में मिलती है आपको दो लैंप और सिग्मा में मिलती है ओनली एक ही, वो मिलती है सेंटर में। ये चेंज मिलता है मोटा मोटा भाई। बाकी हेडरेस्ट की बात करी जाए तो हेडरेस्ट मिलते हैं आपको इसमें भी तीन ही मिलते हैं और उसमें भी तीन ही मिलते हैं। फ्रंट में आपको दो हेडरेस्ट और रियर में आपको मिलते हैं दो। इसमें आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। बाकी फ्रंट में देखोगे अपनी गाड़ी को छैसी दिखाई देती है। डेल्टा वेरिएंट में आपको स्टूडियो वगैरह मिलेगा। बाकी इसमें बात करेंगे थोड़ी देर में। बाकी चलते हैं बाहर की तरफ, अब इसको कर लेते हैं बंद। तो भाई अब चलेंगे हम सिग्मा के फ्रंट रो में और हैंडल आपको ब्लैक कलर का ही मिलता है। बाकी भाई इसकी कीफो की बात की जाए तो कीफो आपको ऐसी मिलती है जिसमें लॉक अनलॉक का बटन दोनों मिलते हैं और चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं इसमें भी और डेल्टा में भी, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई जो डोर हैंडल मिलता है वो आपको कुछ ऐसा मिलता है डबल टोन में। यहाँ पे मिलता है सॉफ्ट टच, यहाँ पे हार्ड टच और यहाँ पे भी ब्लैक कलर की हार्ड टच मिलती है। हैंडल मिलता है वो आपको ब्लैक कलर का मिलता है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं और यहाँ पे मिलता है एक बोतल होल्डर, यहाँ पे थोड़ा स्पेस, यहाँ स्पीकर के लिए स्पेस मिलता है। बाकी सीट बात करें तो सीट मिलती है आपको कुछ ऐसी फैब्रिक की और ये मिलता है रिक्लाइन, रिक्लाइन के लिए। और दो हेडरेस्ट मिलते हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं। बाकी ये स्पेस मिलता है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है इस गाड़ी में और बढ़िया स्पेस के साथ में अपनी ये गाड़ी आती है। बाकी यहाँ पे मिलता है ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये मिलता है लाइट लेवलर। एसी वेंट आपको कुछ ऐसे मिलता है और आपको फ्रंट में आप कोई भी आपको स्टूडियो नहीं मिलेगा इस सिग्मा में। बाकी IRVM की बात करें तो मैनुअली एडजस्टेबल के साथ में आता है और वेनिटी मिरर मिलता है एयरबैग की बैचिंग के साथ में। यहाँ पे हैंडल बार मिलता है, यहाँ पे आपको कोई भी लैंप नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मिलता है आपको ये सनवाइजर मिलता है, इस पर आपको ना कोई टिकट होल्डर मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। बाकी ये ग्लव बॉक्स मिलता है, अच्छा खासा स्पेस जैसा बलिनो में मिलता है। ओवरऑल अपना फ्रंट से अपनी गाड़ी कुछ ऐसे दिखाई देती है। एसी वेंट मिलते हैं कुछ ऐसे और हैजर्ड लाइट का बटन मिलता है यहाँ पे और ऑटोमेटिक एसी आता है। यहाँ पे मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट और ये आपको स्पेस। यहाँ पे मिलता है दो कप होल्डर और यहाँ पे मिलते हैं 5-speed मैनुअल के साथ में अपना गियर आता है और कुछ ऐसा मिलता है भाई। ये हैंड ब्रेक मिलती है ब्लैक टिप के साथ में। बाकी ये गाड़ी अपनी मैनुअल के साथ में आती है, इसमें तीन पैडल आते हैं और एक आता है डैश पैडल। यहाँ पे मिलता है आपको क्लच, ब्रेक और रेस। यहाँ पे मिलता है बोनट ओपनर और यहाँ पे मिलता है फ्यूल टैंक ओपनर, यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। बाकी स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग मिलता है ओनली टिल्ट, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है इसमें। यहाँ पे मिलता है हेडलाइट के कंट्रोल और यहाँ पे मिलता है वाइपर के कंट्रोल। बाकी कर लेते हैं गाड़ी को एक बार स्टार्ट, देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या कुछ मिलता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये मिलता है आपको डेकोमीटर और ये मिलता है भाई अपना स्पीडोमीटर। यहाँ पे डिजिटल MID मिलती है जिसमें आपको टेम्परेचर और कितना तेल है, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह बताता है, ट्रिप बताता है, सारा कुछ बताता है, ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है इसमें। हॉर्न आता है आपको सिंगल जो पहले आता था। यहाँ पे सुजुकी का लोगो और ये भी आपको क्रोम के एलिमेंट मिलते हैं। हैंडल मिलता है जो वो आपको सॉफ्ट टच के साथ में मिलता है। अपनी गाड़ी में फ्रंट में इतना सब मिलता है और बाकी चलते हैं डेल्टा के अंदर। तो भाई चलते हैं डेल्टा वेरिएंट के अंदर। बाकी ड्राइवर साइड डोर की बात करी जाए तो ड्राइवर साइड दोनों में ही सेम मिलता है, ओनली इसमें इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड का फंक्शन मिल जाता है और एडजस्टेबल का फंक्शन मिल जाता है। बाकी आपको दोनों डोरी डेल्टा का और सिग्मा का दोनों सेम ही मिलते हैं।
और कीफो की बात कही जाए तो कीफो भी भाई आपको सेम ही मिलती है, लॉक अनलॉक के बटन के साथ में। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, और यहाँ पे मिलता है लाइट लेवलर। एसी वेंट वगैरह आपको सेम ही मिलता है, सीट भी आपको सेम ही मिलती है फैब्रिक की, और हेडरेस्ट मिलते हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं। बाकी चलते हैं इसके अंदर। इसमें भाई जो चेंज मिल रहा है आपको, एक तो मिल जाता है स्टेयरिंग पे माउंटेन कंट्रोल मिल जाता है वॉल्यूम के, और यहाँ पे फ़ोन कट करने के लिए, उठाने के लिए, वॉइस असिस्ट देने के लिए। ये स्टूडियो मिलता है भाई एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ में आता है, और हैजर्ड लाइट का बटन। एसी इवेंट आपको सेम ही मिलता है, जो आपको चेंज मिल रहा है इस दोनों वेरियंट में। इसमें USB आ जाता है और सिग्मा में नहीं आता है। 12 वोल्ट का सॉकेट दोनों में मिलता है। ग्लव बॉक्स भी आपको सेम ही मिलता है। यहाँ पे मिल जाती है ये केबल लैंप, ओनली डेल्टा में आती है, और सिग्मा में आपको सेंटर में मिलती है जो यहाँ पे मिल रही है, और इसमें ये एक्स्ट्रा आ जाती है। बाकी सनवाइजर आपको भाई सेम ही मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। बाकी तो भाई दोनों में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेम ही मिलता है। बाकी हॉर्न भी सेम है, स्टेयरिंग भी सेम ही मिलता है, और स्टेयरिंग टिल्ट ही मिलता है, टेलीस्कोपिंग नहीं मिलता है। IRVM भी भाई आपको मैनुअली एडजस्ट के साथ में मिलता है। ये सब मिलता है डेल्टा और सिग्मा में। बाकी चलते हैं इसके इंजन एक बारी देख लेते हैं। दोनों को सेम इंजन आता है, 1.2 लीटर का इंजन आता है डेल्टा और सिग्मा में। डेल्टा प्लस में ना आपको एक टर्बो इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई ये अपना इंजन मिलता है 1.2 लीटर का, और यहाँ पे नॉइज़ इंसुलेशन के लिए सीट लगा रखी है। बाकी ये अपना इंजन मिलता है, काफ़ी अच्छा और बढ़िया स्पेस मिल जाता है, और 4 सिलेंडर के साथ में आता है। जो इसकी पावर मिलती है वो मिलती है भाई 89 BHP की, और जो टॉर्क मिलता है वो मिलता है 113 Nm का टॉर्क मिलता है इसका। बाकी दोनों में इंजन सेम ही है, तो दोनों के पावर और टॉर्क सेम ही मिलते हैं। तो भाई बात करेंगे हम दोनों गाड़ियों के बूट की। बूट मिलता है वो 308 लीटर का मिलता है। ये आपको डेटा वेरिएंट का जो बूट मिलता है कुछ ऐसा मिलता है पार्सल ट्रे के साथ में। और स्पेयर व्हील की बात करें तो भाई स्पेयर व्हील मिलता है आपको सेम ही मिलता है। आपको दोनों गाड़ियों में से कौन सी बेस्ट लगी कमेंट करके भाई जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी सभी भाइयों को राम राम।